आपने कुछ सालों पहले सुना होगा कि मुंबई में फिल्म की शूटिंग होती है। मुंबई में एक फिल्म सिटी है जहां बड़े बड़े अभिनेता अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों से जाते हैं। जो भी व्यक्ति मुंबई घूमने जाता है वो फिल्म सिटी जरूर जाता है और वहां की चकाचौंध देखता है। लेकिन अब मध्य प्रदेश भी हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवीज की शूटिंग का हब बन चुका है। अब हर दूसरी मूवी ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में ही बनी हो। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। भारत का दिल मध्य प्रदेश अब फिल्म इंडस्ट्री का भी दिल बन चुका है। प्रतिदिन यहां पर नई नई मूवीज की शूटिंग होती है। बड़े बड़े सितारे मध्य प्रदेश आते करेंगे राजधानी भोपाल। पहले एक खबर सुनी होगी कि भोपाल की जनता ने एक प्रोडक्शन हाउस की पिटाई लगा दी। जी हां, आप सही समझ रहे हैं, प्रकाश झा प्रोडक्शन की पिटाई भोपाल की जनता ने लगाई थी। यहां पर आश्रम 3 की शूटिंग चल रही थी जिस दौरान जनता ने प्रोडक्शन हाउस के लोगों की पिटाई लगा दी थी। बढ़ते हैं ग्वालियर की तरफ। ग्वालियर में बॉलीवुड की रिवॉल्वर रानी यारा लुका छुपी के साथ इंडियन 2 की शूटिंग हुई, तो वहीं हॉलीवुड की फिल्म सिंगुलैरिटी की शूटिंग भी ग्वालियर में हुई थी। अब चलते हैं इंदौर की तरफ, तो यहां लुका छुपी 2, यंगिस्तान, सिंह साहब द ग्रेट, तेवर, घायल 2 और यमला पगला दीवाना 2 जैसी मशहूर फिल्म की शूटिंग हुई है। आपने ग्रामीण परिवेश में एक गाना सुना होगा, बड़ा मशहूर गाना है, सखी सैया तो खूबई कमात है, महंगाई डाइन खाए जात है। जी हाँ, ये पीपली लाइव मूवी की शूटिंग भी भोपाल राजधानी से महज 60 किलोमीटर दूर होशंगाबाद में हुई थी। साथ ही होशंगाबाद में टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसी मशहूर मूवी की शूटिंग भी हुई थी। आप में से अधिकतर लोगों ने ऋतिक रोशन की मोहनजोदड़ो मूवी तो देखी होगी। इसमें एक सीन है जहां ऋतिक रोशन मगरमच्छ से लड़ाई करते नजर आते हैं। जबलपुर के भेड़ा घाट में नर्मदा नदी के किनारे फिल्माया गया था। तो वहीं द मिसिंग बीन और स्टार प्लस के महाभारत की शूटिंग भी जबलपुर में हुई है। साथ ही आपने अशोका मूवी का एक बड़ा ही मशहूर गाना तो सुना ही होगा, रात का नशा अभी। इस गाने की शूटिंग भी जबलपुर में की गई थी। ऐसे ही ओरछा, मांडू, खंडवा, खरगोन, महेश्वर जैसे मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर लगभग 200 से ज्यादा सुपरहिट मूवीज की शूटिंग हुई है। अब सभी के मन में एक प्रश्न उठता है कि शूटिंग और फिल्म इंडस्ट्रीज के प्रदेश में आने से क्या फायदा होता है। तो जहां पर फिल्म की शूटिंग होती है वहां पर पर्यटन बढ़ता है। जहां पर्यटन और शूटिंग बढ़ती है तो वहां पर लोगों के, स्थानीय लोगों की रोजगार की संभावनाएं बढ़ती हैं। जब लोगों को रोजगार मिलता है तो प्रदेश में विकास होता है। साल 2020 और 21 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा टूरिज्म एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए 225 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया था। तो वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल के अनुसार 2021 में फिल्म इंडस्ट्रीज द्वारा मध्य प्रदेश में लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। मध्य प्रदेश के शूटिंग हॉटस्पॉट में तब्दील होने का एक मुख्य कारण टूरिज्म बोर्ड की नई पॉलिसी है, जहां नई फिल्म पॉलिसी में शूटिंग की परमिशन बड़ी आसानी से मिल जाती है। साथ ही सब्सिडी भी इसका एक मुख्य कारण है। सरकार द्वारा फिल्म निर्माताओं को सब्सिडी भी दी जा रही है, जिसकी वजह से साल 2021 में प्रदेश के अंदर 45 छोटी और बड़ी मूवीज की शूटिंग हुई है। तो वहीं प्रदेश में रोजाना दर्जनों मूवीज की, शॉर्ट फिल्म्स की, डॉक्यूमेंट्रीज की, साथ ही वेब सीरीज की शूटिंग चल रही है। अब आप बड़े बड़े अभिनेताओं को मध्य प्रदेश में देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर, छोटे छोटे स्थानों पर अब आप अभिनेताओं को देख सकते हैं और वहां के लोगों को अब रोजगार मिलना शुरू हो चुका है। अब ये ना पूछिए कि शूटिंग होने से किसे फायदा होगा। फायदा आपको होगा, सरकार को होगा और प्रदेश को होगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर लाइक कर सकते हैं, साथ ही इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं।